हेलो डेवलपर्स, होप यू डूइंग वेल। तो मूवी ब्लॉग के इस सीरीज़ में ये हम लोगों का 13th वीडियो है और अब तक काफ़ी कुछ देख लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करने वाले हैं और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग एडिटर कैसे यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग पोस्ट करेंगे सारा कुछ वहीं पर फॉर्मेट करेंगे, सारा डिज़ाइनिंग वहीं पर होगा, और ताकि हम लोग का जो पोस्ट जो होगा वो काफ़ी बेहतरीन दिखना चाहिए। ठीक है, तो बिना समय के बाद वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और इसी तरह बेहतरीन कंटेंट मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अभी लारावेल पे चल रहा है, कुछ दिन के बाद नेक्स्ट जेएस पे लाऊंगा। अलग अलग वेबसाइट हम लोग देखेंगे, इंस्टाग्राम क्लोन, फेसबुक क्लोन, सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे, अभी बस शुरुआत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना ज़ैम्प स्टार्ट करके रखे होंगे, तो अगर नहीं किए हो तो कर लो और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इधर तो, और इस तरह बहुत कुछ सीखोगे उससे। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो एडिटर हम लोग यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो सिंपली पहले वेबसाइट का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हम लोग का जो अभी कंटेंट डाला हुआ है कुछ कुछ, ठीक है, इस तरह से हमारा लुक होगा। यहाँ पर हम लोग जो है सारा कॉल किए हुए हैं कैटेगरी को। और सिंपली अभी देखो एडिटर पे हम लोग कहाँ काम करने वाले हैं। ये वाला डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर हम लोग एडिटर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है सी के एडिटर। देखो ये सी के एडिटर है ना, आपको इसको सर्च करना है, रिच टेक्स्ट एडिटर, जो सी के एडिटर फर्स्ट वाला ऑफिशियल। इसके वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट करके भी आप ले सकते हो या फिर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट आप यहाँ पे जा सकते हो। तो डायरेक्ट हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। यहाँ पे देखो सी के एडिटर 5 है, हम लोग इस पर वर्क करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड। और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉलिंग प्री डिफाइन सी के एडिटर्स। यहाँ पर देखो विथ सी डी एन ना, हम लोग पहले वाले पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्विक स्टार्ट गाइड है, आपको जस्ट इस पर टैप करके इसमें घुसना है वेबसाइट में। आप सिंपली यहाँ से भी आ सकते थे। अब यहाँ देखो हमारे पास दो दो एडिटर है, एक सिंपल एडिटर है और एक थोड़ा सा फुल फीचर्ड एडिटर है, वो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन दिखता है। तो सिंपली अभी जितना कोड मैं यहाँ से कॉपी करने का बस इतना सा ही कोड आपको जैसे यहाँ कॉपी करना होता है। तो हम लोग जितना आपको जब भी मैं जितना कोड करने बताऊँगा कॉपी करते हो बस उतना ही बताना, ठीक है, करना आप कॉपी। तो सिंपली पहले तो स्टाइल हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं ऐसे करके। तो देख लो आप अपने वेबसाइट पर, सॉरी अपने एडिटर पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली आ जाओ अपने एडमिन में, नहीं है देखो हम लोग का जो भी कोड है वो सारा एडमिन में है ना पोस्ट वर्क करने का। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट पे देखेंगे, उसके बाद फिर कैटेगरी में ज़रूरत है ही नहीं और लेआउट और तो कहीं ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हम लोग के पास पोस्ट में ज़रूरत है। तो क्रिएट पोस्ट, ये देखो क्रिएट पोस्ट है, आपको जस्ट यहाँ पर आना है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना हमें, लेआउट जो हम लोग का जो मेन बेस है हर एक चीज़ का, हम लोग बस वहाँ पर जाएंगे। अभी ये रहा लेआउट हमारा। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग स्टाइल कॉपी किए, तो स्टाइल तो हम लोग हेडिंग में डालेंगे उसको ऊपर में। अच्छा यहाँ पर मेरा कुछ ऑलरेडी पहले से कोड है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये दो लाइन। और बॉडी टैग आप जहाँ देख रहे हो ना उसके जस्ट नीचे जो है आप यहाँ उसका पेस्ट कर देना इसे, ठीक है। देखो बॉडी जहाँ पर है आपको जस्ट उसके नीचे स्टाइल लगाना, ठीक है, स्टाइल कॉपी पेस्ट हो गया है। उसके बाद अब हम लोगों को थोड़ा सा इस नीचे करना। अब यहाँ पे देखो डिव है ना, इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी देखो ये स्क्रिप्ट जहाँ पे है, अब यहाँ से नहीं, इसका कमेंट भी कॉपी कर लो, ये देखो इसको यहाँ से सिंपल लास्ट तक कॉपी करना है। एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, इतना नहीं करना था भाई। देखो ये स्क्रिप्ट है ना लास्ट वाला, बॉडी टैग के जस्ट ऊपर तक आपको कॉपी करना है। अब देख लो कहाँ से कहाँ तक कॉपी हुआ है, ये वाला यहाँ से डिव के जस्ट बाद से यहाँ स्क्रिप्ट तक, बस आपको ऐसे कॉपी करना है इसको और अपने वेब पे आना है, सॉरी अपने एडिटर पे आना है और इसको स्क्रॉल डाउन करना है, पूरा सबसे नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉडी टैग है ना, इसके जस्ट ऊपर में आपको इंटर लगाना है। और ये मेरा पुराना है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आप चाहो तो समर नोट भी यूज़ कर सकते हो लेकिन उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, तो मेरा मानो तो आप इसको ही यूज़ करना, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ देखो यहाँ पर फॉन्ट साइज है ना, ऑप्शंस 10-14 डिफ़ॉल्ट है, 18-22 है, आप इसको और भी बढ़ा सकते हो फ़ॉन्ट साइज को, 22 के जगह आप यूज़ कर सकते हो 25, 35, 45, 65, आप जहाँ तक यूज़ करना चाहते हो 50, 22, 24, इसको 26 कर दो, इसको 28 कर दो, इसको 30 कर दो, मतलब उतना बड़ा दिखेगा नहीं, 5 5 भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, 24
उसके बाद है 28 35 45 50 इतना ही रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना, मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंड होने के बाद फिर वो दिखता नहीं है, तो इतना रहने देना, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड काम क्या हमारा, वापस से हम लोग सीके एडिटर की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब देखो क्या यूज़ किया इन्होंने, आईडी में एडिटर लिया गया, ठीक है। तो हम लोग सिंपल आईडी को एडिटर एडिटर लेना है डिव में, तो हमारा टेक्स्ट एरिया जो होगा हम लोग उसमें लेंगे। तो ये हमारा बेस था। अब हम लोग क्रिएट पोस्ट में जाते हैं। क्रिएट पोस्ट में आने के बाद जो हमारा थंबनेल है, सॉरी डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल बोल रहा हूँ मैं, हमारा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर आईडी आईडी एडिट है, इसको एडिटर का, और सॉरी यार ये तो सारा कुछ पेस्ट हो गया था यहाँ पर, एडिटर, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये आया कि नहीं। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसको रिफ्रेश करते हैं, आ तो जाना चाहिए। तो ये लोड ले लिया। यहाँ पे देखो वेलकम टू सी के एडिटर 5। अब ये हटाना है यहाँ पे वेलकम टू सी के एडिटर 5। सिंपली हम लोग यहाँ पर आएंगे और हमारा जो बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, सिंपली इसका प्लेस होल्डर जो भी है उसको हटाना है ना। तो हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है वेलकम टू सी के एडिटर 5, तो इसको हम लोग हटा के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हियर, उसके बाद और कुछ चेंजेस है देख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट साइज देखो है ना 45 50, यहाँ पे देखो ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इसलिए बोल रहा था कि इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और बाकी सब ठीक है। अब इसका ना हम लोग थोड़ा सा विथ जो है उसको बड़ा कर देते हैं, इसका विथ आपको जो है ऊपर मिलेगा स्टाइल में। तो हम लोग ऊपर चलते हैं, बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर ही हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सी के एडिटर एडिटेबल है ना, और कंटेनर का विथ जो है इतना है, और मिनिमम हाइट है 200 पिक्सल। तो मिनिमम हाइट हम लोग को यहाँ पे रखना है 700 पिक्सल। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसका हाइट एडिट हुआ कि नहीं। तो मिनिमम हाइट इसका 700 पिक्सल कुछ ऐसा, एक मिनट ये पुराना है, हाँ तो 700 पिक्सल ये अभी ऐसा दिख रहा है। ये भी यहाँ पे अच्छे से लोड ले रहा है और देख सकते हो ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग पोस्ट करने वाले हैं वो सेम यहाँ पे दिखाना हमको हम लोगों को। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप में, अब हम लोग जो है सारा डेटा को एक अलग पेज में दिखाना होगा ना। तो जो हम लोग का जो यहाँ पे देखो होम पेज है ना, तो जैसे यूज़र इस पोस्ट पे क्लिक करेगा तो उसके बाद इस डेटा को हम लोग एक मास्टर पेज में दिखाएंगे, जो जिसमें कि हम लोग का सारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, सारा कंटेंट रहेगा, जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड करा रहे हो उसको, उसका फुल्ली मॉडिफाइड डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलेगा उसको। तो उसके लिए सिंपली अभी हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा नीचे आना है, आपको रिसोर्सेस में आना है, लेआउट है, पोस्ट है, लेआउट है, एडमिन को क्लोज करते हैं हम लोग। ये हम लोग का 2 है इस जगह पे। व्यूज़ में ही हम लोग एक पेज बनाते हैं मास्टर पेज के नाम से, न्यू फाइल मास्टर पेज डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। देखो मास्टर पेज, अब देखो मास्टर पेज में हम लोग को क्या करना है कि जो लेआउट है एक्सटेंड करना है हम लोग को, बी एक्सटेंड्स आपके पास ये ऑलरेडी होगा, और सिंपल है लेआउट के अंदर है बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, तो एल ए वाई ओ यू टी लेआउट डॉट बेस, ठीक। होम स्क्रीन पर ऐसा ही कुछ होगा हम लोग के पास, लेआउट डॉट बेस, उसका सेक्शन कंटेंट्स है, बाकी हम लोग और देखेंगे। मास्टर पेज पे कंटेंट्स को लोड कराना है, तो बी सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ बी सेक्शन है, और शो नहीं करवाना हम लोग को, एंड सेक्शन करना है यहाँ पे। शो हम लोग वहाँ पे करवाते हैं जहाँ पे हम लोग को उसके नीचे का भी डेटा दिखाते हैं, तो इसके नीचे का डेटा यहाँ पर कुछ और नहीं, बस हम लोग को यहाँ पर दिखाना। तो सेक्शन में क्या हम लोग का डिस्क्रिप्शन, सॉरी जो हम लोग का सेक्शन होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन CRIP कंटेंट्स होना चाहिए सर, तो अब हम लोग को यहाँ पे कंटेंट्स को जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन है उसको कॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लग को रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है होम स्क्रीन पे आएंगे, होम स्क्रीन पे आने के बाद जो हमारा पोस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये रहा हमारा पोस्ट, और जो टाइटल है हमारा ये पोस्ट का टाइटल है, इसके ऊपर हम लोग एंकर टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एंकर टैग में HREF अभी तक ऐड नहीं किया हम लोग,
सिंपली हम यहाँ पर HREF आपको यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आपको डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है, राउट यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो राउट में क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग कौन से पेज पे इसको राउट करेंगे तो उसका नेम डालना है। तो अभी तक हम लोग उधर पेज नहीं बनाया, लेकिन हम लोग इस नाम से बनाने वाले हैं, मास्टर डॉट पेज, ठीक है। इस नाम से हम लोग का पेज होगा, और हम लोग जो यहाँ पर डेटा पास करेंगे वो होगा इसका आईडी, सॉरी स्लग होगा, तो डॉलर पोस्ट के नाम से है, डॉलर पोस्ट स्लग, हम लोग यहाँ से स्लग पास करेंगे, ठीक है। डॉलर पोस्ट सही होना चाहिए, लेकिन एरर, हाँ ठीक है। पोस्ट से हम लोग जो स्लग ले रहे हैं वो हम लोग मास्टर पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली अब हम लोगों को मास्टर डॉट पेज ये बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास राउट अभी तक डिफाइन नहीं है, आपको सिंपली राउट्स में आना है और वेब डॉट पीएचपी में आना है। और यहाँ पर हम लोग होम कंट्रोलर पे आएंगे, और होम कंट्रोलर पे आने के बाद आपको ट्रिपल कॉलन हो गया गेट, और जो हमारा यूआरएल होगा, ठीक है, वो हमारा यूआरएल होगा व्यू हो जाएगा, व्यू के नाम से हम लोग रखते हैं, या फिर हम लोग पेज के भी नाम से रख सकते हैं, आप जिस भी नाम से रखना चाहो आप रख सकते हो। तो सिंपली हम लोग व्यू पोस्ट के नाम से रखते हैं, ठीक है, ये हमारा यूआरएल हो गया। और यहाँ पर मास्टर पेज ये हमारा फंक्शन होगा, और इसका जो नेम हम लोग रखेंगे मास्टर डॉट पेज, नेम मास्टर डॉट पेज, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आईडी ट्रांसफ़र, कुछ जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर से स्लैश करके कर्ली ब्रेसेस ऑन करके उसके अंदर वो इस तरह से लिखना होता है। वहाँ से हम लोग स्लग ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूआरएल में स्लग डालेंगे, ठीक है, जो हम लोग का व्यू पोस्ट होगा उसके बाद स्लग दिखेगा, जो हम लोग का टाइटल है वही स्लग है, डैश डैश करके है, या फिर कभी कभी प्लस प्लस करके होगा, तो वो स्लग यहाँ पर हम लोग व्यू पोस्ट में दिखाने वाले हैं। और सेम स्लग को जो हम लोग यूआरएल से पास कर रहे हैं, उस स्लग को हम लोग फंक्शन में रिसीव करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से पास किए फिर यहाँ पर आएगा वो, और ये फंक्शन हमारा जो है वो अब हम लोग बनाने वाले हैं, अभी तक बनाए नहीं उसको। तो हम लोग सीधा होम कंट्रोलर में जाएंगे, आपको कंट्रोलर्स में आना है, होम कंट्रोलर में आना। अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है, हम लोग को दूसरा फंक्शन यहाँ पर बनाना है, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर मास्टर पेज के नाम से बनाना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है स्लग को पास कराना था, ऑलराइट, यहाँ पर हम लोग डॉलर स्लग ऐसे यूज़ करने वाले इसको। और यहाँ पर अब जो है हमारा जो स्लग है उसको यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे पोस्ट, मतलब जो स्लग आया सेम स्लग जो है हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे, स्लग से हम लोग डेटा फैच करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग डॉलर डेटा इक्वल्स टू हमारा मॉडल का नाम है पोस्ट, क्योंकि हम लोग पोस्ट से डेटा फैच करना चाह रहे हैं, पोस्ट कॉलन कॉलन पोस्ट ऑलरेडी कॉल्ड है, इसलिए हम लोग दोबारा कॉल नहीं करने वाले हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आपको वेयर लगाना है, जहाँ पर स्लग नाम का फील्ड है जिसको मैच कराना है हमको, जो अभी स्लग हम लोग रिसीव किए हैं, तो डॉलर स्लग से अगर वो मैच करता है, जो भी डेटा मैच करता है उसको कॉल करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग सारा डेटा नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पर सिंगल डेटा कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं, और उसको हम लोग व्यू कराएंगे, रिटर्न यहाँ पर व्यू जो हमारा पेज है। तो व्यू में हम लोग का व्यू में जो नाम रखे हैं व्यू, हम लोग एक बार देख लेते हैं, मास्टर पेज है और उसका पी कैपिटल है, ये रहा व्यूज़ और ये रहा मास्टर पेज, ठीक है, MASTER मास्टर पेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं डेटा को, यहाँ से डेटा हम लोग पास कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर से डेटा पास हो गया, सिंपली अब हमें करना क्या है कि मास्टर पेज पे आना है, ठीक है। अब डेटा हम लोग जो होम स्क्रीन था वहाँ से हम लोग डेटा पास किए यूआरएल के थ्रू, यूआरएल में हम लोग सेलेक्ट पास किए, और उस यूआरएल से हम लोग फंक्शन एक बनाए हैं जो मास्टर पेज है हमारा, तो उस यूआरएल से हम लोग सेलेक्ट को ले रहे हैं, और उस सेलेक्ट से हम लोग पोस्ट से उसको मैच करके फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोग फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं मास्टर पेज पे। तो मास्टर पेज हमारा यहाँ पर है, अब मास्टर पेज पे अब हम लोग को डिस्क्रिप्शन दिखाना। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा डबल कर्ली ब्रेसेस हम लोग को नहीं यूज़ करना, सिंगल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है, और यहाँ पर ऐसे देना है, ऐसे देना, ठीक है, दो बार, क्योंकि हम लोग यहाँ पर HTML को शो कराने वाले हैं। यहाँ पर रिट्राई कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग डॉलर डेटा, और डॉलर डेटा से हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, DSCRIPTION, ठीक है, शायद कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो अभी हम लोग सिंपल, अभी हम जो है वहाँ पे डेटा
बस शो करा रहे हैं वहाँ पर भी कुछ भी अभी हम लोग डिज़ाइन नहीं किए उस पेज, बस डेटा कॉल हो जाए उसके बाद हम लोग उस डेटा को अच्छे से दिखाएंगे वहाँ पर, डिज़ाइन करेंगे। अभी देखो वो हम लोगों पर डिपेंड है कि हम लोग डेटा को किस तरह से वहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग वेबसाइट पर आते हैं अपना और एक बार हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं URL के थ्रू वो पास हो रहा है कि नहीं या फिर कुछ एरर भी है। तो सिंपली हम लोग इस वाले को हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं। देखो ये स्लग यहाँ पर पास तो हो गया है लेकिन अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कैटेगरी कैटेगरी एस आइटम। अच्छा ये लूप का प्रॉब्लम है मास्टर पेज पे, होम कंट्रोलर पे एक्सटेंड्स नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम लोग उसको अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे डॉलर कैटेगरी को। एक मिनट, वो प्रीवियस कोड का कुछ एरर है तो हम लोग बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी होम स्क्रीन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में आएंगे और कैटेगरी हमारा यहाँ पे नहीं था, बेस में था। ठीक है, बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, फिलहाल के लिए हम लोग कैटेगरी को यहाँ पर इसको जो है हम लोग कमेंट करके रखते हैं। उसके बाद पहले हम उसका जो डेटा कॉल हो रहा है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कैटेगरी को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे अभी। ठीक है, ओ वाह, यहाँ पर देखो जो अभी हम लोग जो जिस पोस्ट को हम लोग द बीस्ट बिलो 2022 FDL जो भी है उसका जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पर फाइनली लोड ले लिया है। ठीक है, तो अब आप उसका टाइटल शो कराओ, डिस्क्रिप्शन शो कराओ, कुछ भी शो कराओ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं इसका क्या एरर है। तो अगर वैसे काम नहीं होता है तो हम लोग दूसरे तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर देखो बी पी एच पी ऑन करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको डॉलर कैटेगरी डिफाइन करना है, डॉलर कैटेगरी इक्वल्स टू यहाँ पर आपको कॉल करना है डी बी कॉलन कॉलन टेबल। ठीक है, अब देखो डी बी कॉलन कॉलन टेबल, अब टेबल का नाम क्या हम लोगों का पोस्ट है, ऑब्वियसली पोस्ट है। ठीक है, और सॉरी 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 कैटेगरी है ई जी ओ आर आई ई एस कैटेगरीज। ठीक है, गेट यहाँ पर से हमारा जो कैटेगरीज का है सारा डेटा आ जाएगा। तो हम लोग कैटेगरी ना डाल के यहाँ पर सॉरी न्यू कैटेगरी, अभी हम लोग इसका जो दूसरे साइड में हम लोग काम किए थे उसको भी हम लोग देख लेंगे, चेंज कर देंगे वहाँ से। सिंपली इसको हम लोग न्यू कैटेगरी में डाल देते हैं। अब देखते हैं ये कॉल हो रहा है या नहीं, रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर, बस एरर ना आए। अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी, ये किस तरह का एरर है भाई? लिंक फोर्थ है, एक मिनट, ओ सॉरी ये सेव नहीं हुआ था, माय मिस्टेक। तो हम लोग का ये एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो उसका क्या क्या प्रॉब्लम था समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहाँ से डेटा कॉल क्यों नहीं हुआ, फेच क्यों नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, हम लोग होम कंट्रोलर पे वो उसका कोड है कैटेगरी का, यहाँ से इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। इसका अभी फ़िलहाल के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, कमेंट किए हैं तो यहाँ से भी हम लोग कैटेगरी को हटा देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी हम लोग कहाँ पर थे, क्रिएट पोस्ट पे थे, वेब डॉट पी एच पी तब पेज खुला हुआ है पोस्ट। सिंपली अभी हम लोग थोड़ा सा डन कॉल किए हैं तो वहाँ पर टाइटल वगैरह सब कॉल कर लेते हैं। तो अभी आपको सिंपली रिसोर्सेज में आना है, रिसोर्सेज में आने के बाद मास्टर पेज जो है आपको उसमें आना है और यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा इसका होम पेज डिज़ाइन जो है आपको डिज़ाइन बेटर डिज़ाइन बाद में दे दूंगा मैं, फिलहाल यहाँ पर नहीं करूँगा। बस यहाँ पर हम लोग अभी टाइटल को शो करा देते हैं। तो टाइटल को एक डिम में लेंगे और टाइटल को डिम में ले रहे हैं तो इसमें टेक्स्ट डैश 30 पिक्सल फॉन्ट एस बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपको डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है, तीन बार हो गया। देखो हम लोग डिस्क्रिप्शन में HTML भी दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे वो HTML ऐड होगा, तो वो HTML इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये डबल एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। अब यहाँ पर हम लोग टाइटल कॉल करेंगे डॉलर डेटा और हम लोग का है टाइटल, तो देख लेते हैं CSS काम कर रहा है या नहीं। तो ये CSS भी काम कर रहा है। अब देखो वेल इस पेज को पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिज़ाइन कर दूंगा, जो न्यू डिज़ाइन होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करना, वीडियो जब अपलोड होगा उसके कुछ घंटे बाद मैं दे दूंगा वहाँ पे। और वेल डिज़ाइंड मिलेगा आपको ये, बस देखो क्या क्या डिज़ाइन मिलेगा आपको, बस ये आपको टाइटल डिज़ाइंड मिलेगा और टाइटल का डिस्क्रिप्शन जो मेन डिस्क्रिप्शन होता है बीच में, जैसे कि जहाँ पर आप कुछ कुछ कंटेंट्स ऐड करोगे उसमें
फॉर एग्जांपल कि आपका इमेजेस होंगे, फिर लिंक्स होंगे कि ये मेरा 720p का है, ये मेरा 480p का है, ये मेरा 360p का है, ये मेरा 4K का है, ये मेरा 3K, ये सब लिंक्स जो है उसके ऊपर टेक्स्ट, तो ये सब मैं डिज़ाइन करके नहीं दूंगा आपको, ये सीके एडिटर मैं जो दिया हूँ उसमें खुद ही करना होगा, ठीक है। ये जो एडिटर है उसमें खुद से आपको सब करना होगा। हाँ, एक टेम्पलेट मैं ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा कि हाँ ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने हर एक पोस्ट में, आपका सेम लेआउट वैसा हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग ना एक पोस्ट करके देखते हैं और फिर उस पोस्ट को हम लोग व्यू भी करेंगे अभी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर पोस्ट में आते हैं, यहाँ पर कद्दू लिखा हुआ है तो कद्दू नहीं लिखना, लेजी डेवलपर इज माय फैब फैब देव, ठीक है। और ही इज न्यू बट परफेक्ट, ये हमारा टाइटल हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग डॉट 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 कर देते हैं और डेट में हम लोग यहाँ पर टुडे सेलेक्ट कर लेते हैं और कैटेगरी हमारा बहुत सारा कैटेगरी है तो यहाँ पर हम लोग लेजी वुड डालते हैं। वीडियो टाइप हमारा क्या है 12K, ठीक। अब देखो इमेज, अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा टाइटल है हम लोग उसको भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। देखो अब इसको डिज़ाइन करेंगे हम लोग अभी बहुत अच्छे से। अब देखो फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग को बड़ा, फ़ॉन्ट साइज़ हम चाहते हैं मेरा 45 रहे। अब देखो ये जो यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करेंगे सेम चीज़ वहाँ पर हमारा दिखेगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पर सीके एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो डिज़ाइन करने में, किसी भी तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली अभी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक में और फ़ॉन्ट हमारा रिमूव कलर नहीं, एक्चुअली फ़ॉन्ट किधर गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोल्ड यहाँ पर है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा था, इसको कोट्स में डाल दिए, ठीक है। आप जो जो करना चाहो आप कर सकते हो उसके साथ। अब सिंपली अब हम 4-5 इमेज सोच रहे हैं ऐड करने का, तो यहाँ पर देखो इमेज का भी ऑप्शन है आपके पास, आप जो थंबनेल वगैरह यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। सारा का सारा इमेज हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे, एक एक करके सारा इमेज लोड ले रहा है, लोड ले, आप बाद में इसको रिसाइज भी कर सकते हो इमेज को अपने हिसाब से। अरे भाई ये क्या है, एक मिनट, ये सारा इमेज तो नहीं चाहिए था लेकिन ऐड हो गया था, कोई बात नहीं, हम लोग इसको रहने देते हैं, बस पोस्ट कर देंगे सारा कुछ यहाँ पे रहने देते हैं। और लास्ट में हम लोग कुछ लिए जैसे कि इमेज हो गया ना, तो अब हम लोग इसको कुछ ऐड और कर देते हैं, ऐड ऑन, एक मिनट, पीसी स्लो हो गया थोड़ा, बाहर के ऊपर क्यों जा रहा, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेंटर में कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन, ये रहा सेंटर। अब यहाँ पर हम लोग लिखने वाले सिंपली सब्सक्राइब फॉर मोर, एक मिनट, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं इसका 35 और कलर चेंज कर देते हैं इसका रेड में, नहीं बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, रिमूव कर देते हैं इसको और इसका कलर बस चेंज करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर, अब बटन, अब चाहो अब यहाँ पे बटन ऐड करने के लिए तो आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट लाके यहाँ पे कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि इस पे ना मतलब थोड़ा सा URL इंसर्ट हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं यहाँ पर से। आप लोग एक ऑप्शन होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो लिंक है ना, आप सिंपली लिंक URL डाल लो, डाउनलोडेबल है, ठीक है डाउनलोडेबल है। सिंपली URL का नाम क्या होना चाहिए, HTTPS, एक मिनट, कॉलन कॉलन youtube.com @ ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया, इसमें URL ऐड हो गया। तो बाकी आप बहुत सारा एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो, आप जितना जितना बेहतरीन डिज़ाइन कर सकते हो आप यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो। अब देखो क्रिएट पोस्ट है, थंबनेल तो चाहिए ही चाहिए तो थंबनेल भी देना ज़रूरी है, तो ठीक है हम लोग थंबनेल ये वाला लगा देते हैं, ओके। मेटा टाइटल,
सिंपली जो भी है कद्दू आपको जो देखो मेटा टाइटल में क्या डाला, देखो मेटा टाइटल वो हुआ कि जो आप सर्चेबल इसको बनाना चाहते हो, जो आपका कंटेंट है जो गूगल सर्च कंसोल यूज़ करेगा उसको। हम लोग इस पर भी आगे कुछ वीडियोस में चर्चा करेंगे कि वेबसाइट को हम लोग रैंक कैसे कर सकते हैं, इसमें टैग जो है वो हम लोग सर्चेबल कैसे बना सकते हैं, आपका कोई भी कंटेंट सर्च इंजन में कैसे आएगा, तो ये सब भी सारा कुछ इसमें डिस्कस इसी सीरीज़ में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले। तो मेटा टाइटल जो हम लोग का जो हम लोग डाले हैं तो वो सर्चेबल कंटेंट के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पर कुछ भी जो आपका पोस्ट का टाइटल है सेम बस यहाँ पर ऐड कर देना। तो इसको भी रहने देते हैं, हम लोग कुछ भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर, कद्दू दाल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको मेटा डिस्क्रिप्शन है ज़्यादा मतलब बड़ा कर सकते हो क्योंकि इसमें हम लॉन्ग टेक्स्ट डाले हुए हम लोग, तो इसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, हाय हेलो बस जो आपका टाइटल है उससे रिलेटेड मेटा कीवर्ड्स न्यू सॉरी लेजीवुड डॉट 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 एंटर कर, ठीक है। अब इसको हम लोग सबमिट कर दिए, अब देखते हैं ये डेटा हम लोग को दिखेगा कैसे। ये सबमिट हो रहा है, थोड़ा सा समय ले सकता है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग इसका, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो देख लेते हैं सी के एडिटर में, इमेज का ही इशू होगा और तो कुछ नहीं होगा, हाँ इमेज का इसको लेकर के बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो हम लोग जो है स्टोरेज को लिंक करने के लिए भूल गए थे, देखो स्टोरेज हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना तो इसको हम लोगों को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कमांड है आपका PHP और ये कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग कमांड टाइप करेंगे PHP आर्टिशन स्टोरेज कॉलन लिंक, ठीक है। बस सिंपल ये कमांड आपको ऐड करना है और यहाँ पर एंटर हिट करना है और थोड़ी देर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं थोड़ी देर पहले इसको लिंक करके चेक कर लिया हूँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अब उसके बाद फ्रेज करोगे यहाँ पर तो ये देखो सारा इमेज यहाँ पे लोड ले लिया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जो भी ऐड करोगे जो आपका डिज़ाइन होगा वो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सिंपली ये वाला इमेज है, ये वाला इमेज है, ये सारा इमेज यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो ठीक है। कोई बात नहीं, ये वीडियो के लास्ट में डाल दिया तो आप लोग देख लेना अच्छे से, एरर सॉल्व हो जाएगा।